तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करते समय आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से तत्काल टिकट आप लोग कंफर्म बुक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग गलती करते हैं, फर्स्ट में लॉगिन प्रोसेस में मिस्टेक कर जाते हैं, यानी कि किस टाइम उसको लॉगिन करना है उन्हें ये नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनका पेज लॉग आउट हो जाता है या फिर पेमेंट एरर आ जाता है, जिसकी वजह से तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद सेकेंड नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे मास्टर लिस्ट, काफ़ी लोग यहाँ पे मास्टर लिस्ट बनाने में यानी कि पैसेंजर डिटेल सेव करने में पहले से काफ़ी मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। इसके बाद एड्रेस फिल करने में, इसके बाद आप लोग पेमेंट करने में काफ़ी लोग मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, तत्काल टिकट बुक करते समय आप लोगों को किन किन गलतियों को नहीं करना है, जिससे कि आप लोग इजीली तत्काल टिकट बुक कर सके। सबसे पहले नंबर वन आप लोगों को करना क्या है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को रेलवे के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। नंबर वन आप सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को टाइम टाइम से आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि आप लोग अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी स्लो वर्क करता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो एप्लीकेशन को अपडेट करना है प्ले स्टोर से। अपडेट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को लॉगिन किस टाइम करना है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले लॉगिन करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो नंबर वन ध्यान रखना इस बात को, आपको 1 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई यूजर हो रहा है, यानी कि यूजर हमारा वेरीफाई हो रहा है, तो फाइनली हो चुका है। इसके बाद तत्काल टिकट बुक करने से पहले आप लोगों को करना क्या है, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो प्लान वाइज जोनी पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्म स्टेशन और टू स्टेशन पहले से सेलेक्ट करके रख लेना है। इसके बाद डेट ऑफ जर्नी भी सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कोटा पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कोटा भी सेलेक्ट कर लेना है। आप प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक करना चाह रहे हैं या फिर तत्काल में बुक करना चाह रहे हैं, अगर तत्काल में करना चाह रहे हैं तत्काल सेलेक्ट करना है, प्रीमियम तत्काल में बुक करना है तो प्रीमियम तत्काल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड मिस्टेक की बात किया जाए तो सर्च ट्रेन पे क्लिक करने में काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे यदि स्लीपर बुक करते हैं तो एग्जैक्ट 11 बजे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देते हैं। यदि आप एसी क्लास में टिकट बुक करते हैं तो एग्जैक्ट 10 बजे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को कभी भी भूल कर नहीं करना है। ये गलती यदि आप करेंगे तो आप लोग तत्काल टिकट कभी भी IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से हार्ड रूट में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल आप लोग करना क्या है, यदि आप एसी टिकट बुक करते हैं तो आप लोग को सर्च ट्रेन पे 10:02 पे क्लिक करना है। आप लोग को ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यदि आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो 1-1 सेकेंड आप लोगों को बचाना पड़ेगा, तभी आप लोग तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। यदि आप लोग स्लीपर क्लास का टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 11:02 पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है, क्योंकि यदि आप इससे पहले करेंगे तो सर्च ट्रेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस पे लग जाता है और इससे वजह से ये प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे आपको 15-20 सेकेंड भी बर्बाद हो सकता है। तो हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इन रूट में जितने भी ट्रेन होंगे ट्रेन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको ट्रेन पे क्लिक करना है। यदि एसी टिकट बुक करते हैं तो एसी पे, स्लीपर बुक करेंगे तो स्लीपर पे आपको क्लिक करना है। जितने भी ट्रेन में सीट अवेलेबल होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को मैंने पहले ही बताया पैसेंजर डिटेल पहले से आपको मास्टर लिस्ट में बना लेना है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मास्टर लिस्ट में 3-3 नाम सेव करके रख चुका हूँ। तो आप लोग मास्टर लिस्ट में बनाते समय क्या गलती कर जाते हैं वो भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसे हमें बैक कर लेते हैं। आपको मास्टर लिस्ट बनाना कैसे है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो सिंपल आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग को 1-1.5 घंटा पहले ही आपको मास्टर लिस्ट बना लेना है। माई क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माई
पैसेंजर लिस्ट, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद पैसेंजर का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेना है। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद बर्थ सेलेक्ट करना है। जब आप मास्टर लिस्ट बनाते हैं तो मास्टर लिस्ट बनाते समय क्या गलती करते हैं, आप लोगों को लोअर मिडिल अपर साइड लोअर बर्थ सेलेक्ट नहीं करना है, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्योंकि यदि आप लोग मान लो लोअर बर्थ सेलेक्ट किया या फिर साइड लोअर सेलेक्ट किया, यदि आप टिकट बुक करते हैं अगर उस ट्रेन में साइड लोअर सीट अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पे भी प्रोसेस में कुछ सेकेंड आपका बर्बाद हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है मास्टर लिस्ट बनाते समय। तीसरी मिस्टेक तो आप लोग ये करते हैं, गलती करते थे, सबको सुधारना है यदि काल टिकट करना चाहते हैं तो। यदि आप मास्टर लिस्ट बना लिए तो आपको क्या करना है, सिंपल प्लान वाइज जोनी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट सेलेक्ट करना है, कोटा सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपल क्या करना है, ट्रेन सेलेक्ट हो रहा है अभी। इसके बाद इस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है, सिंपल आपको कोटा सेलेक्ट करना है, थर्ड एसी बुक करना है, थर्ड एसी सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल सीट सेलेक्ट करना है, पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करने को ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद इस पे क्लिक करना है। इसके बाद मास्टर लिस्ट में नाम बना रखे होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, सिंपल सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे भी कुछ लोग तत्काल टिकट बुक करते समय मिस्टेक कर जाते हैं, आप लोगों को मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। तत्काल टिकट में जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है वही मोबाइल नंबर रहने देना है। इसके बाद नीचे की तरफ क्लिक करना है। आप लोगों को एड्रेस फिल करने में थर्ड नंबर में क्या मिस्टेक कर जाते हैं, एड्रेस फिल कैसे करना है आपको, जहाँ यानी कि जिस स्टेट में जाना है आप देख सकते, जिस जिस में आपको स्टार दिया गया है उसी में आपको फिल करना है। इसके अलावा इस किसी भी बॉक्स में फिल नहीं करना है। आप लोग फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन में फिल करने लगते हैं तो इसमें आपको क्या होता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन पर जहाँ जाना है वहाँ पर आपको टाइप करना है, इसके बाद सेकेंड थर्ड लाइन छोड़ देना है, इसके बाद फोर्थ लाइन में आप लोगों को एरिया पिन कोड डालना है। इसके बाद आप लोगों को पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना, पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट करने में काफ़ी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। आप लोगों के जितने सारे पोस्ट ऑफिस दिख रहे हैं कोई भी पोस्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल आप यहाँ पे देखना है पेमेंट ऑप्शन पे, आप फोन पे से पेमेंट करना चाह रहे हैं या फिर पेटीएम से करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए। पहले मैं अभी एक नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ, रिव्यू जोन डिटेल पर क्लिक करेंगे। रिव्यू जोन डिटेल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक कैप्चर और देखने को मिल जाएंगे, तो मैं फटाफट सबसे पहले कैप्चर फिल कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हो लोडिंग कैप्चर शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी फिलहाल मैं देख सकता अभी इस टाइम 4:38 हो रहा है। इस समय IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से प्रॉब्लम आ रहा है तो सोच सकते हैं तत्काल के टाइम में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम आए होंगे। प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। इसके बाद यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैं फाइनली पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका है। पेमेंट आपको कैसे करना है, काफ़ी लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं जिससे कि इजीली वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट करना है, इसके बाद वॉलेट सेलेक्ट करना है, या फिर आप लोग यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इन दो चीज़ों पर यानी कि पेटीएम या फिर UPI से पेमेंट करेंगे तो आप लोग तत्काल टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आप तत्काल टिकट बुक करते समय ये 5 गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप लोग इजीली तरीके से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।